बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड वेल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना कंसल्टेंट मोहम्मद इकराई शेख, नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जंजैन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ईरान में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है और कुछ बेसिक डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जंजैन यूनिवर्सिटी के बारे में शेयर करूँगा। सितंबर 2023 सेशन के लिए एडमिशन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन and like this video and be with this video, inshallah this video will be very very helpful for you। so time ko waste kiye bagair jo apni video ka ek baqaida aghaaz karte hain, so let's start the video। first of all, Zanjan University of Medical Sciences is the top ranked government medical university in Iran and it's falling approximately abhi ki jo ranking agar dekhen 2023 ki jo hai in the world 300 to 500 top ranked medical universities according to higher times education ranking क्राइटेरिया। इसके अलावा जंजैन यूनिवर्सिटी में जो हमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो लिस्ट सर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे फर्दर शेयर करूँगा, वो सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको फिक्स स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, ठीक है। लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ ने रान कुछ दूसरी कैटेगरीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स जो है ईयरली बेसिस के ऊपर आगे मेंटेन करने पड़ते हैं। सो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटीज़ टू स्टूडेंट, बट अगर कोई स्टूडेंट उसमें करता है तो उसका हम एडमिशन डन करा देते हैं। बट जंजैन यूनिवर्सिटी का सबसे पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि इसमें जो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, जो भी आपकी फ़ी होगी वो आपकी एजुकेशन के साथ चलेगी, वो आपकी एजुकेशन के लिए सेम रहेगी, उसमें कोई फ्लक्चुएशन, कोई वेरिएशन, कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का होगा वही आपका सेकेंड ईयर का होगा, वही आपका थर्ड ईयर का होगा। तो इसका सबसे पहला और पॉजिटिव बेनिफिट ये भी है जंजैन यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा जंजैन यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा जंजैन यूनिवर्सिटी हैज़ सो मैनी रिसर्च सेंटर्स, सो स्टूडेंट हैज़ द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इन जंजैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज। इसके अलावा जो है टीचिंग हॉस्पिटल है जंजैन यूनिवर्सिटी के पास, आपने क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, एंड सो मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज सो मैनी ईरानी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो हमारे पास इस टाइम जो है तकरीबन 3 टीचिंग हॉस्पिटल हैं जंजैन यूनिवर्सिटी के, अपने जो हैं आयतुल्ला मूसवी, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वली असर हॉस्पिटल है हमारे पास, बीमारिस्तान वली असर है, और एक शाहिद बहिश्ती मेडिकल सेंटर है हमारे पास। तो ये 3 टॉप जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो लाइक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे, जो डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे पास मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स होंगे वो लाइक अपनी जो भी उनकी जो आगे जो रोटेशंस होंगी या फिर आगे आपने जो इंटर्नशिप करनी है, जो भी आपका क्लिनिकल फेज होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी, यू कैन गो टू दैट टीचिंग हॉस्पिटल, यू कैन परफॉर्म प्रैक्टिकल्स इन दैट टीचिंग हॉस्पिटल्स ऑन पेशेंट्स, लाइव ऑन पेशेंट्स इंशाल्लाह। सेकेंड थिंग, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास हैं अवेलेबल हैं जंजैन यूनिवर्सिटी में। सबसे पहली जो है इसमें हमारे पास जो है स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री अवेलेबल है, स्कूल ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है जंजैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज में, स्कूल ऑफ फार्मेसी अवेलेबल है, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एंड स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स एंड हेल्थ। सो डिफरेंट स्कूल्स हैं, यहाँ से आप इसकी जो है वर्थ का भी अंदाज़ा लगा सकते हो बिग दिस यूनिवर्सिटी, एंड इट्स अ गवर्नमेंट रैंक यूनिवर्सिटी इन ईरान, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द फीस स्ट्रक्चर फॉर जंजैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज फॉर द डिफरेंट अवेलेबल प्रोग्राम्स फॉर सितंबर 2023 सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम है वो हमारे पास है MBBS या MD, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो सालाना फीस है जंजैन यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्यूशन फी है वो है हमारे पास $3,000 पर ईयर, ठीक है। मैं अपनी पहली कुछ वीडियोज़ में भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि ईरान के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपके मेन 3 एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी ट्यूशन फी का एक्सपेंस होता है, आपकी फूड का एक्सपेंस होता है, और आपकी जो रिहाइश है, जो आपकी अकोमोडेशन है, जो आपकी डॉर्मिट्रीज हैं, जो आपने अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से यूज़ करनी है, अगर आपने खुद करना है तो उसका जो भी एक्सपेंस है वो कितना है, ठीक है। वो भी मैं डिटेल्स आपके साथ आगे वीडियो में चला डिटेल वन बाय वन शेयर करता हूँ सारी, ठीक है। तो ये 3 मेन एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले ये मैं आपको ट्यूशन फी बता रहा हूँ जंजैन यूनिवर्सिटी की जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। MBBS MD के लिए हमारे पास $3,000 पर ईयर है, और साल में आप इस फी को हाफ ऑफ करके 2 पार्ट्स में पे कर सकते हो, यानी कि पर सेमेस्टर जो आपका एक्सपेंस आएगा वो आएगा $1,500, ठीक है, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली, अगर राइट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं PKR में, सो लेट्स फिक्स वन वैल्यू 280 के अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स कर लेते हैं, डॉलर का भी हम रेट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इट विल बी अराउंड 4 लाख रुपीज़, ठीक है। बाकी इसके अंदर 15-20-25-30 हज़ार की फ्लक्चुएशन कभी ऊपर कभी नीचे वो होती रहती है, क्योंकि डॉलर नीचे आएगा तो ये बजट भी नीचे आ जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी लिटिल बिट हाई। इसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम अवेलेबल है वो है हमारे पास BDS या DDS, जिसको हम डेंटिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फी है जंजैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज के अंदर वो हमारे पास है $3,500 पर ईयर, एंड $1,750 पर सेमेस्टर, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं BSc प्रोग्राम्स, लाइक 4 ईयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें जो हम आपकी ईयरली फी आएगी वो आएगी $2,000 पर ईयर,
एंड $1,000 पर सेमेस्टर विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 rupees, ठीक है जी, पर सेमेस्टर। इसके अलावा हमारे पास PhD के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं हमारे पास अंजानी यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज के साइंसेज में, ठीक है। और इसकी हमारे पास जो ईयरली फी है हमारे पास है $4,000 पर ईयर, एंड पर सेमेस्टर इट विल बी अराउंड $2,000, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 lakh rupees पर सेमेस्टर। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो सबसे एक और मेन और पॉजिटिव बेनिफिट जो है, इफ़ यू कैन अप्लाई वाया आवर टीम, वाया IPKCC टीम, ठीक है, अगर हमारे थ्रू अप्लाई करते हो, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, तो इसमें जैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज के अंदर आपको जो है अकोमोडेशन, जिसको आप पोस्टल जो है आपका, वो आपको उसके ऊपर कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, और इसका सबसे पॉजिटिव बेनिफिट ये है जैन यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। तो इसमें आपके ट्यूशन फी का एक्सपेंस भी कवर हो जाएगा और अकोमोडेशन का भी आपका उसके अंदर ही कवर हो गया, क्योंकि उसके ऊपर 100% स्कॉलरशिप है। वैसे यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन की फी है, इट विल बी अराउंड $50 पर मंथ और $300 पर सेमेस्टर। सो वो हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो आपको उसके ऊपर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देगी और आपके लिए फ्री होगा अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हो एडमिशन, और 100% स्कॉलरशिप है उसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा जो आपकी फूड है, सही है, सो फूड फॉर जैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज जो है फॉर ऑल अवेलेबल प्रोग्राम, जो भी मैंने आपको ऊपर लिस्ट बताई है प्रोग्राम्स की, MBBS की, MD की, BDS, DDS, मास्टर प्रोग्राम्स, बैचलर प्रोग्राम्स एंड PhD प्रोग्राम्स, ठीक है, 5 प्रोग्राम मैंने आपको लिस्ट बताई है। अभी जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, अकोमोडेशन हो गई, आपकी फूड हो गई, आपकी इंश्योरेंस हो गई, या पर्शियन लैंग्वेज जो चार्जेस होते हैं, या जो लाइक जो आपकी रजिस्ट्रेशन के जो भी एक्सपेंसेस आने हैं, वो इन सब प्रोग्राम्स के लिए सेम है, ठीक है। जस्ट ट्यूशन फी के अंदर वेरिएशन है, बाकी जितनी भी आपका जो भी होल फी स्ट्रक्चर है वो ऑल प्रोग्राम्स के लिए सेम है। सो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हो, हॉस्टल टोटली फ्री है, अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% डिस्काउंट है। फूड अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से करते हो, ठीक है, फूड ऑप्शनल है, सही है, फूड अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से करते हो, सो इट विल बी $50 पर मंथ और $300 पर सेमेस्टर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइदर इफ यू वांट टू पे ऑन सेमेस्टर बेसिस यू कैन पे, अगर आप सेमेस्टर बेसिस पे पे करना चाहते हो आप सेमेस्टर बेसिस पे पे कर सकते हो, बट बेहतर ये है कि आप अपने फेलोज़ के साथ मिलकर खुद कर लो, वो आपको बहुत ही चीप पड़ेगी, सही है, वो आपके लिए रीजनेबल आ जाएगी। इसके अलावा कुछ और माइनर से एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, जैन यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, इंश्योरेंस फी है आपकी, ठीक है, इंश्योरेंस फी जो जिसको आप बीमा बोलते हो, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, सो इट विल बी $50 पर ईयर, $50 आपने सालाना पे करने हैं और आपने अपनी ट्यूशन फी के साथ ही पे करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो है पर्शियन लैंग्वेज फ़ी, ठीक है, अब जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, आपका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है जैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज में लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ इन ईरान, वो आपका जो बेसिक चलेगा टू एंड हाफ ईयर्स, वो आपका टोटल इंग्लिश में चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। फिर आगे आप जब पैथोफिजियो में जाते हो, फिर उसके बाद आगे आपका क्लिनिकल फेज स्टार्ट होता है। तो जिस तरह मैंने बताया है आपको अपनी पिछली वीडियो में, मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि अगर आप ईरान में आ रहे हो तो आपको इसमें पर्शियन लैंग्वेज रिक्वायर होती है बोलने की हद तक, ठीक है, क्योंकि जब आपने क्लिनिक्स में जाना है, आपने जब हॉस्पिटल में जाना है, तो आपने जब पेशेंट के साथ डील करना है, तो वहाँ पे आपको फिर पर्शियन लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। तो सेम चीज़ ये जैन यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, ठीक है, जिस तरह करमान यूनिवर्सिटी है, या जिस तरह हमारे पास करमान शाह यूनिवर्सिटी है, या जो अदर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके कोर्स मेडिसिन का जो कोर्स है वो आपको इंग्लिश में अगर प्रोवाइड कर रही हैं, ये चीज़ें उनके लिए भी सेम है और जैन यूनिवर्सिटी की भी चीज़ सेम है, पर्शियन रिक्वायर होगी और यूनिवर्सिटी आपको उसमें साथ साथ पर्शियन सिखाती है, और उस पर्शियन को सिखाने के ऑन कैंपस अगर आप पर्शियन को सीखते हो, सो इट विल बी अराउंड $500 जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करने हैं, ओनली वन टाइम आपने यूनिवर्सिटी को एक्सपेंस पे करना है, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की फ़ी भी आपकी ओनली वन टाइम है, इट विल बी अराउंड $10, और वो $10 है एक दफ़ा पे करने हैं, सही है। तो ये तकरीबन मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं जैन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अकॉर्डिंग। सो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सो मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर आप ईरान में स्टडी करना चाह रहे हो, सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन इट्स द मोस्ट रीजनेबल एंड मोस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको एक रीजनेबल फी पैकेज में मिल रही है और अच्छी यूनिवर्सिटी, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं माशाल्लाह से। और अगर जो है आप ईरान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can find the numbers of APKCC team in the description of this video, also during this video you can also find the numbers, ठीक है। सो आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली, इंशाल्लाह आई विल बी एट योर सर्विस, इंशाल्लाह वी विल गाइड यू प्रॉपरली एंड वी विल हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इंशाल्लाह एट ईच स्टेप ऑफ योर एडमिशन। बाकी इसके अलावा अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फेलो फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, ठीक है जी, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।